नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मानसून जो है वो आने वाला है, तो इस बार मानसून में मैं आपको सजेस्ट करूं कि कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स जो है वो आप जरूर लगाइए। फ्रूटिंग प्लांट्स के काफ़ी बेनिफिट्स है, एक तो एनवायरनमेंट में भी काफ़ी हेल्प होती है, दूसरा आपको जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स है वो खाने को मिलते हैं घर पर ही, क्योंकि मार्केट से जो हम फ्रूट्स लेके आते हैं उनमें बहुत से केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जिस तरह से हम सब्जियाँ लगाते हैं उसी तरह से हमें जो फ्रूट्स प्लांट्स है वो भी लगाने चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ प्लांट्स जो है वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो प्लांट्स मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे ग्रो कर चुका हूँ वो प्लांट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो चलिए मेरे गार्डन में जितने भी फ्रूट्स के प्लांट्स रखे हुए हैं एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, और मोस्टली जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें फ्रूटिंग इस टाइम पर चल रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ टिप्स भी जो है वो देता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर एक चेरी। दोस्तों ये जो चेरी है ये बारबोर्ड चेरी है, ये जो चेरी होती है ये खट्टी मीठी होती है, जैसे बेर होता है वैसे इसकी शेप होती है, और इसको मैंने छोटा सा प्लांट ये लाकर लगाया था। जब मैंने लगाया था उससे नेक्स्ट ईयर इसमें फ्रूटिंग होने लगी थी। इस बार तेज़ गर्मी थी और यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस प्लांट के अंदर जो आई थी वो आई थी इस तरह से, देखिए ये ड्राई होने की। तो ये इस तरह से अगर ब्रांचें ड्राई होती है तो इसके दो रीज़न मेरे ख्याल से होने चाहिए। एक रीज़न होता है इसमें एक स्टेम बोरर होता है, बोरर नहीं होता, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जो ब्रांच के अंदर हो जाता है। हिबिस्कस में इस तरह की प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इस तरह की जो चेरी है वो इसमें लगती है, और ये कुछ टाइम बाद देखिए बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी, और इसके अंदर जो है सीड निकलता है जैसे बेर में निकलता है वैसे, और टेस्ट में ये बिल्कुल टोमेटो की तरह खट्टी मीठी होती है। इस बार इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग आई थी, लेकिन इस बार क्या है तेज़ हीट की वजह से जो बहुत से फूल जो है गिर गए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा फूल बचे हुए हैं। तो चेरी अगर आप चाहें तो इस बार मानसून में ग्रो कर सकते हैं। इसको आप एक छोटे पॉट में भी, यानी छोटे पॉट ये नहीं कि बिल्कुल छोटा, लेकिन 14 इंची के पॉट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, उसमें चेरी लग जाएगी। दोस्तों अगला जो हमारा प्लांट है वो है ग्रेप्स का। देखिए ग्रेप्स को भी ग्रो करना बहुत ईजी है, इसको भी आप अपने छत पर भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने ग्रीन हाउस के अंदर ये जो बना रखा है नेट सा, इसी तरह से बनाना होगा, ऐसे करेंगे तभी इन पे जो है अच्छे से फ्रूटिंग हो पाएगी। क्योंकि ये प्लांट पहले जो है हमारे घर पे था तो वहाँ पे क्या हमने इसको ऐसे रखा हुआ था, तो इसमें फ्रूटिंग नहीं हो पा रही थी, जो भी फ्लोरिंग होती तो वो गिर जाती थी। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फ्रूट है ये छाया में आ जाते हैं, और छाया में होने की वजह से जो फ्लोरिंग है वो गिरती नहीं है, जिससे कि जो फ्रूट है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए ब्लैक रंग के जो है ग्रेप्स है ये। दोस्तों अंगूर की जो बेल है ये जो मैंने लगाई थी एयर लेयरिंग से लगाई थी, तो अगर आपके आसपास इसका प्लांट वैसे मिल जाता है तो आप रेनी सीजन में जब मानसून आए तो इसको एयर लेयरिंग से तैयार करके भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि इसके जो सीड्स हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आपको इस मानसून में लगाना है तो आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है ये सीड्स वाला है, इसके अंदर सीड्स है। अगर आपके आसपास अच्छी नर्सरी है तो आप जो सीडलेस है वो लीजिए, जिसमें सीड्स नहीं होते बिना बीज के, वो अंगूर लीजिए और उसकी बेल लगाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अंगूर की बेल पर जब बर्ड्स जो है खाते थे और नीचे गिर जाते थे उनके सारे सीड्स जो है ग्रो कर गए, बहुत से तो गर्मी की वजह से ख़राब हो गए, अदरवाइज पूरा जो ग्रीन हाउस है ये अंगूर की बेल से भर गया था। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो बेल है अंगूर की हो गई, मैंने इनकी कटिंग भी लगाई थी जो अच्छे से ग्रो कर गई है। तो इस मानसून आप भी जो है अंगूर की बेल को लगा सकते हैं। अगला प्लांट है पोमेग्रेनेट। देखिए पोमेग्रेनेट जो है ये भी आप सीड्स वाले भी लगा सकते हैं, जो ग्राफ्टेड होते हैं वो लगा सकते हैं, सीड्स वाले भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। जो सीड्स अगर आप लगाते हैं ये 3 से 4 साल में जो है फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा जो ये प्लांट है ये हमने जो है सीड से लगाया हुआ है और इसमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है। इसके फ्रूट जो है वो रुकते नहीं है, ऐसी काफ़ी क्वेरी आती थी। तो देखिए इसके फ्रूट्स को रोकने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि इनको जो है खाद आप टाइम पे देंगे तभी जो इनके जो फ्लोर है ये फ्रूट में सेट हो पाएंगे। ये देखिए अभी भी इन पे जो है काफ़ी फ्लोरिंग हो रही है, और जो फ्रूटिंग है जो आपको दिख रहे कपड़े से हमने बांध रखे हैं, ये इसलिए बांध दिए क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो इनको खा जाते हैं कच्चे को। ये देखिए इस तरह से जो फ्रूट को है पक्षी खा जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको जो है बांध दिया है। अगर आप पॉट्स में लगाते हैं तो ग्राफ्टेड लेके आइए। अगला हमारा प्लांट है बनाना का। देखिए बनाना के अंदर आप चाहें तो किसी बनाना के पेड़ के नीचे जो बेबी प्लांट निकलते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनमें अगर फ्रूटिंग पता नहीं होगी या नहीं, तो देखिए फ्रूटिंग उनमें होगी लेकिन टाइम होने पर होगी, यानी कि उसको समय लग सकता है 1 से 2 साल। जैसे कि मेरे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक प्लांट यहाँ पे बनाना का लगाया था, और उसके बाद ये तीनों जो है उसी के बेबी प्लांट हैं। तो इनमें से देखिए दो, एक तो हमने काट दिया जिससे लास्ट टाइम फ्रूटिंग हुई थी, और एक ये देखिए कितना बड़ा होने के बाद इसमें फ्रूटिंग हुई है।
आप देख सकते हैं कितने ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। लास्ट टाइम जो हमने केले का पेड़ काटा था उसमें भी जो है इस तरह से केले आए थे और जो पक गए थे पेड़ पर ही। मॉनसून के अंदर आप भी नर्सरी से केले लाकर लगा सकते हैं। G9 करके एक वैरायटी आती है इसकी, जो छोटे के होते हैं केले, और उन पर जो है जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो आप लाकर लगा सकते हैं। अगला हमारा प्लांट है चीकू का। देखिए चीकू पे बहुत सी क्वेरी आती है कि हमारे चीकू पर फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लगते, तो मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला था कि इसकी केयर कैसे करनी होती है। चीकू के फूल ना आने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो जब बीज से हम लगाते हैं तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, दूसरा अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है फिर भी उस पर नहीं आ रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर अच्छे से जो खाद पानी है वो देना होगा। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा खाद आपको किस तरह से डालना चाहिए, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि चीकू पर फ्रूट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। मेरे इस चीकू में अब हर साल जो है फ्रूटिंग होती है, पहले मेरे में भी नहीं होती थी, मैं अब जो है इसको हर साल जो है अच्छे से जो खाद है वो देने लगा हूं, तो इसमें अब अच्छे से फ्रूटिंग होने लग गई। आप भी अगर चीकू लगाना चाहते हैं तो चीकू की एक अच्छी किस्म यानी कि ग्राफ्टेड किस्म लाकर वो लगाइए, ग्राफ्टेड पर जो है जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अगला हमारा प्लांट है चकोतरा। चकोतरा, ऑरेंज, किन्नू, नींबू, इस तरह की जो सिट्रस की जो किस्में होती है ये आप लगा सकते हैं अपने पॉट्स में, ग्राफ्टेड वैरायटी जो है वो। अगर आप नींबू का प्लांट लेकर आते हैं नर्सरी से तो नींबू का जो बारहमासी चलता है वो लेके आइए, जैसे कि मेरा ये प्लांट है। इस प्लांट में क्या होता है, फ्लोरिंग भी होती रहती है, फ्रूटिंग भी होती रहती है। जैसे कि देखिए इसमें इस तरह से फ्रूट भी बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए थोड़े से बड़े फ्रूट हैं और इनका जो छिलका है बहुत ही पतला छिलका है, रस इसमें ज़्यादा है, साथ के साथ इसमें जो फ्लोरिंग है वो भी होती रहती है। अगला जो हमारा प्लांट है वो है गुआवा। गुआवा आप अगर बीज से लगाया हुआ कैसा भी ले, 3 से 4 साल में जो अच्छे से फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। इसको जो है मैंने ग्राफ्ट करके खुद तैयार किया था, इस पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है हर साल। तो अमरूद जो है वो आप बहुत ही आसानी से गमले में लगा सकते हैं, मैंने गमले में भी एक जो है अमरूद लगाया हुआ था, मैंने लास्ट ईयर आपको दिखाया था उसमें कितने अच्छे से फ्रूटिंग हुई थी, वो मैंने मेरे सिस्टर को गिफ्ट कर दिया था, अभी उनके घर पे लगा हुआ है, कभी मैं जाऊंगा तो आपको स्टोरी में दिखाऊंगा उनके घर पे लगा हुआ है वो प्लांट। तो दोस्तों ये कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे लगाए हुए हैं और इनमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होती है, कुछ में जो है फ्रूटिंग काफ़ी टाइम से हो रही है, कुछ में अभी स्टार्ट हुई है। आप भी इस तरह से फ्रूटिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो जो ग्राफ्टेड फ्रूटिंग प्लांट्स है वो लाकर आप गमले में लगा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे जगह नहीं होती वहाँ पे ऐसे ही जो गार्डनर है वो क्या करते हैं, छत पे बड़े पॉट्स ले जाकर और उनमें ग्राफ्टेड प्लांट जो है फ्रूट के वो लगाते हैं, तो आप भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। अभी आप मत लगाएगा, अगर आपके यहाँ पे मानसून आ गई है तभी आप जो है इस तरह के प्लांट्स लगाइएगा। मेरे यहाँ पे अभी गर्मी तेज़ है इसलिए मैं सोचा पहले आपको जो है वीडियो के थ्रू मैं बता दूं कि कौन कौन से प्लांट आप ले सकते हैं नर्सरी से। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।